हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज आपके सामने मैं सोन पपड़ी बनाने वाला हूं। जी हाँ, सोन पपड़ी जो आपने काफी बार खाई होगी, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि घर पे कैसे उसको बना सकते हैं। दूसरी बात, मैं आप लोगों से कुछ पर्सनल शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, बट मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो इसीलिए मैं आप जो भी खाना बनाना मुझे आता है आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इससे क्या होता है कि अगर आप कभी भी घर में कुछ ट्राई करेंगे तो आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, आपके फैमिली मेम्बर को बहुत खुशी मिलेगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर कुछ बना के खिलाएं उनको, कुछ ट्राई करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान चाहिए सोन पपड़ी बनाने के लिए। हमें क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें 1 कटोरी बेसन चाहिए। कोई भी साइज की कटोरी आप रख सकते हैं जो आपको सही लगे, आपके पास जिस साइज की कटोरी है या आप जितनी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं। और मैदा थोड़ा कम रखें, एक एक कटोरी से कम, आधी कटोरी से ज़्यादा। और 1 कटोरी चीनी रखें। जितना बेसन लें उतनी ही चीनी लें, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा लें। और देसी घी, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डिपेंड करता है, देसी घी में ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है तो देसी घी यूज करें। और इलायची स्वाद के लिए, नींबू एक आधा नींबू चाहिए हमें, और थोड़ा सा चुटकी भर नमक चाहिए। तो ये तो था सामान जो हमें चाहिए बनाने के लिए। और जो हमें एक कढ़ाई चाहिए इस तरीके से, एक नॉन स्टिक चाहिए, इसका पैन टाइप का चाहिए चाशनी को ठंडा करने के लिए, ये चाशनी बनाने के लिए। कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लें और धीमी आंच पे रखें कढ़ाई को। देसी घी को डालने के बाद, देसी घी को ज़्यादा गर्म ना करें कि ज़्यादा गर्म ना हो पाए, सिर्फ मेल्ट करना है। और उसके बाद बेसन को डाल दें। और इस तरीके से धीमे धीमे चलाएं इसको। ये इस तरीके से पेस्ट बन जाएगा ये। और अब इसमें ये मैदा डाल दें इस तरीके से। मैदा डालने के बाद इसको चलाना है, धीमी आंच पे इसको पकाना है इस तरीके से। चार से पांच मिनट में ये पक जाएगा। तो जब ये पक जाएगा तो ऐसे ये घी छोड़ने लगेगा तो, और इसमें एक खुशबू आने लगेगी बढ़िया सी। तो इसको हम उतार के अलग रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो हम चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो अब हमें चाशनी के लिए चाहिए आधा गिलास पानी। आधा गिलास पानी हम बाउल में डालते हैं। थोड़ा इसको तेज आंच पे रख देते हैं। और इसमें 1 कटोरी चीनी, जितना हमारा बेसन था उतनी चीनी ले सकते हैं हम, उससे थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा चाहिए। आप इसमें
हम डालते हैं आधा नींबू का रस। नींबू आधा ही लेना है, इससे ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा स्वाद बिगड़ जाएगा। ये नींबू बहुत ज़रूरी है इसमें। तो जब ये चाशनी बन जाएगी तो पानी में डालने पर इस तरीके से होने लगेगी। तो अब हमारी चाशनी बन गई है और इसने थोड़ा कलर भी चेंज कर दिया, देखिए आप। अब हमें चाशनी को ठंडा करना है और चलाते रहना है, इसको हमें चलाते हुए ठंडा करना है। जब ये इस तरीके का पेस्ट बन जाए तो अब इसको इसमें डालते हैं। दोनों पेस्ट डालने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस दो कांटे लेने हैं इस तरीके से और दोनों कांटे से इसको मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से, आप देख रहे हैं बिल्कुल मिक्स हो चुका है ये। अब क्या करना है, हमें इस तरीके से एक थाली या कुछ भी ले सकते हैं आप, इसमें देसी घी लगा के और इस पर हम निकालेंगे इसको। तो हमारी सोन पपड़ी बनके तैयार हो गई है। अब ये ठंडा हो गया है तो इसको हम चाकू से इस तरीके से काट लेंगे। और एक बढ़िया सी स्वादिष्ट सोन पपड़ी का एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।